बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो आरएच नेटवर्क चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ने कुत्ते को क्यों और कैसे पैदा किया। हालांकि वीडियो शॉर्ट है तो शॉर्ट ही है बस, बट क्या तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट है बट इंटरेस्टिंग है वाकई में कि अल्लाह ने कुत्ते को क्यों और कैसे पैदा किया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आरएच नेटवर्क को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कुत्ते की पैदाइश किस तरह हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान और शैतान का क्या किरदार रहा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज का वीदियो स्टार्ट करते हैं। जब खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा कर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए मगर शैतान खड़ा रहा और नहीं झुका। खुदा ताला को उसका यह तकब्बुर पसंद न आया और उससे दरियाफ्त फरमाया कि ए इबलीस, मैंने जब अपने दस्ते कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों ना सजदा किया। शैतान ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं आदम से अच्छा हूँ इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है और आग मिट्टी पर गालिब होती है, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करूं। खुदाए ताला ने उसका यह तकब्बुर भरा जवाब सुनकर इरशाद फरमाया कि ए इबलीस मर्दूद, निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा तू कयामत तक के लिए मर्दूद और लानती हो गया है। उसके बाद खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान मर्दूद हसद की आग में जल भुन गया था और एक मरतबा उस मर्दूद ने सारी हदें पार कर दी और उसने किया ये कि बुग्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक के मकाम पर पड़ा। खुदा ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से इतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चुनांचे उस शैतानी थूक से मली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस इसलिए है क्योंकि मट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और पलीद इसलिए है यानी नापाक इसलिए है कि थूक शैतान का है और रात को जागता इसलिए है कि हाथ इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लगे हुए हैं। शैतान के थूकने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि मकाम नाफ शिगम के वजह से जीनत बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करने से उन अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता बल्कि उनकी शान और भी चमकती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद व नफ़रत की निगाह से देखना शैतानी काम है। नाज़रीन इकराम, अब आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार था और शैतानी थूक का भी क्या किरदार था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगे ये वीडियो दूसरे के लिए यूज़फुल है तो सोशल मीडिया पर ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, एक वाक्य में नई चीज़ वाक्य में पता लगी। इससे पहले हमने काफ़ी हज़रत आदम की जो बारे में सुना था और वीडियो में भी, बट ये नई चीज़ पता लगी कि एक तो स्टार्टिंग में वही था कि जब हज़रत जब अल्लाह ने सभी को हज़रत आदम के आगे सजदा करने के लिए बोला तो सभी ने किया सिवाय इबलीस के। तो अल्लाह ने जब इबलीस से पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया, तब इबलीस अल्लाह को ये बता रहे थे कि अल्लाह आपने मुझे आग से बनाया और हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया, क्योंकि आग मिट्टी से ज़्यादा पावरफुल होती है तो मैं क्यों करूँ इनके आगे सजदा। मतलब ये बता रहे हैं अल्लाह को, जिन्होंने सब कुछ बनाया, जिन्होंने उनको ही बनाया है और पूरी दुनिया को हर चीज़ को बनाया है, उनको ये बात बता रहे हैं। तो अल्लाह को उनकी वो बात पसंद नहीं है जिसने कह के जिससे अल्लाह ने उनको क़यामत तक रहने का हुक्म दे दिया कि तुम क़यामत तक रहोगे। और जब अल्लाह ने जब हज़रत आदम का जब वो कहते हैं ढांचा एक तरह से तैयार किया
40 दिन बाद आए थे ना जान उनके अंदर, हाँ वो फूकी गई थी, हाँ 40 दिन तक तो ढांचा वो बना हुआ था। तो सारे जब फरिश्ते देख रहे थे तो इन्होंने भी चोरी छुपे जाके उनके नाक के ऊपर थूक दिया। तो ये बात जब अल्लाह को पता लगी तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को कह के जिस हिस्से पर थूकता वो नाक का हिस्सा तोड़वा के उसका कुत्ता बना दिया, उससे कुत्ता क्रिएट कर दिया। तो कुत्ता जो क्रिएट हुआ वो हज़रत आदम की नाक मतलब की मिट्टी और थूक इबलीस यानी आग उनसे मिलके बना हुआ है। तभी मेरे को अब ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो रही हैं, मतलब कि है कि तभी कहते हैं कि इस्लाम में कुत्ता नहीं पाल सकते आप। हमने अच्छा। एक वीडियो करी थी ये डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिसे बताया गया था आप बिल्ली आप बिल्ली पाल सकते हो अपने घर के अंदर, बट आप कुत्ता अपने घर के अंदर नहीं पाल सकते। कुत्ते को आप अपने घर के अंदर नहीं ला सकते, ये चीज़ की मनाही है। हाँ ये बताया था कि कुत्ते को पालना हराम है इस्लाम में, अपने घर के अंदर पालना, अगर कहीं बाहर पाल रहे हो बाड़े में पाल रहे हो या कहीं भी किसान विसान में है रखवाली के तौर पे मे भी वहाँ पर है, बट उस कुत्ते को अपने घर के अंदर नहीं ला सकते आप। तो इस चीज़ का मना था। और एक किसी एक लेडी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि कुत्ते को क्यों नहीं पाल सकते, उन्होंने जवाब दिया था फिर उसका। हाँ वो चीज़ें पर उस टाइम उतनी क्लियर नहीं हुई थी, बट अब चीज़ें पता लग रही है कि कुत्ते से रिलेट कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन उस पर हज़रत जिब्रील के भी हाथ लगे हुए हैं ना, हाँ क्योंकि हज़रत जिब्रील ने ही बनाया था वो। और क्या कहते हैं, लेकिन जो कुत्ता होता है वो काफ़ी वफादार होता है, वो मे भी हो सकता है उसी वजह से कि हज़रत आदम की मिट्टी से बना है वो, मे भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा वफादार होता है वो, इतना तो इंसान एक से एक दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता जितना कुत्ता इंसानों से प्यार करता है। मगर ये भी है कुत्तों को ना दिख जाता है क्या आगे होने वाला है या कोई बुरा साया होता है, वो सब चीज़ें इंसान को नहीं दिखती, कुत्ते को दिख जाती हैं। शैतानी चीज़ है, हाँ शैतानी चीज़ है। तो या तो फिर या तो इबलीस का कुछ ना कुछ है उसमें। वाकई में कुत्ते को इन फ्यूचर का सब कुछ दिखाई दे जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, शैतानी चीजें दिख जाती है या कुछ आसपास कोई शैतानी रूह है कुछ है उसका, कुत्ते को आइडिया लग जाता है भाई। रात को वो कहते हैं कि रात को, ये बता रहे थे कि वो रात को कुत्ता ज्यादा देर तक इसलिए जागता है क्योंकि हज़रत जिब्रील के हाथ लगे हैं उसको। जागने से हज़रत जिब्रील का क्या लिंक, ऐसा ही बोला इन्होंने, हाँ बोला तो यही था, बट वो लिंक क्या हुआ, लिंक क्या हुआ ये मुझे भी नहीं समझ। या तो इबलीस का बोलते हैं फिर भी थोड़ा मेरे को लगता है कि चलो इबलीस का बोल रहे हैं कि रात को थोड़ा तो रात होती है ना थोड़ी डरावनी होती है। अभी हमने एक आधी वीडियो और करी थी, वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसे क्रिकेट जो रात को आवाज करता है उसकी एक थी झिंगूर, मुफ्ती साहब की थी वो वीडियो, तो उसमें था कि झिंगूर को जंगल से बाहर निकाल दिया गया था, ऐसा कुछ था कि झिंगूर बहुत शोर मचाता है ना रात के टाइम। एक सभा हुई थी जिसमें सबने कहा कि भाई रात सोने के लिए होती है, ये मैं परेशान करता है ये करता है, तो इसको निकाल के बाहर फेंको, तो उसे बाहर निकाल दिया। उस रात को लोगों को रात ही फील नहीं हुई, वो जो रात की जो दहशत है ना वो क्रिकेट से है, मतलब वो मतलब सोने पे सुहागा वाला बात है कि रात की दहशत को और बढ़ा देता है। एक तो अंधेरा, कोई रोशनी नहीं कुछ नहीं, सब मून लाइट आ रही है उसके ऊपर, अपनी जो स्पेशल अल्लाह ने जो उसे आवाज़ दी है वो स्पेशल आवाज़ निकालता है। हाँ। तो वाकई में डर जाती है दुनिया, वाकई बंदे को पता चल जाता है कि अब रात हो गई है, बिल्कुल खौफनाक, तो डरावनी है रात। तो वैसे ही कुत्ते का काफी हद तक हमें क्लियर हो गया, बट इसमें ना एक चीज ये नहीं पता है कि इबलीस का कहाँ पर रोल आया कुत्ते में ना, मतलब इबलीस का कुछ ना कुछ तो आया होगा कुत्ते क्या पार्ट रहा, मतलब वो थूक वाला तो था ही लेकिन उसमें उसकी जो जहनी नेचर है उसमें क्या क्या पार्ट रहा, बिल्कुल वो तो हमने गैस कर लिया हजरत आदम वाला, क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा वफादार होता है इंसान, मिट्टी वैसे मिट्टी बना हुआ है वो भी। तो अगर कुत्ते से रिलेटेड कोई वीडियो हो ना वो आप हमें सजेस्ट करिएगा, बिल्कुल, ताकि हम और ज्यादा जिसमें डिटेल में बताया गया वो चीजें, बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस, RH नेटवर्क चैनल से थी वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।